बबल प्लांट, ये एक हार्डी सकुलेंट इंडोर प्लांट है। देखिए देखने में कितना क्यूट है, बहुत ही ग्लोसी है, बहुत बूशी बनते हैं ये। ये प्लांट लवर्स के लिए न्यू प्लांट है, आप इसको घर ला के देख सकते हो। इसका केयर बहुत ही आसान है, आज मैं इसके केयर के बारे में बात करूँगी, आप लास्ट तक बने रहिए। तो पहले बोलती हूँ इसके सनलाइट के बारे में। बबल प्लांट को इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट बहुत पसंद है। आप रोज़ बबल प्लांट को 3-4 घंटे का इनडायरेक्ट सनलाइट पे रख देना, और हो सके तो मॉर्निंग की 1 घंटे का सनलाइट पे रख देना। इससे बबल प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे होते हैं। वाटर, बबल प्लांट को आप हफ्ते में 2-3 दिन पानी देना, और जब भी आप पानी दोगे फिंगर टिप मेथड का अप्लाई करना। ओवर वाटरिंग भी नहीं करना और अंडर वाटरिंग वाटर में भी नहीं रखना। आप बबल प्लांट को रेन में प्लेस नहीं करना, क्योंकि इससे बबल प्लांट गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और हफ्ते में एक बार आप बबल प्लांट की पत्तियों पे वाटर स्प्रे कर देना, इससे प्लांट की लीव्स अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। फर्टिलाइजर, बबल प्लांट बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, इसलिए ये प्लांट महीने में एक बार खाना मांगते हैं। तो आप महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज कर देना बबल प्लांट को। अब बोलती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, जो सॉयल मिक्स। बबल प्लांट का सॉयल मिक्स ड्रेनेज वाली सॉयल मिक्स होना चाहिए। इसमें गार्डन सोयल, परलाइट, रिवर सेंड, कोकोपीट सोयल मिक्स में होना चाहिए। पॉट, ये बबल प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉट सिलेक्शन अच्छा ना हो तो बबल प्लांट खराब हो जाते हैं। बबल प्लांट के लिए बिग साइज पॉट सही नहीं होते, स्मॉल साइज पॉट में अच्छे ग्रो होते हैं बबल प्लांट। आप बबल प्लांट को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, बट हैंगिंग बास्केट ज़्यादा बड़े आप चूज़ नहीं करना। छोटी हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से ये ग्रो होते हैं, बहुत बूशी बनते हैं। तो पॉट सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जब भी पॉट सिलेक्ट करोगे, आप देख के आपके प्लांट की साइज़ के हिसाब से आप पॉट सिलेक्शन करना। पॉटिंग और रिपोटिंग, आप जब भी बबल प्लांट को घर लाओगे तुरंत पॉटिंग और रिपोटिंग नहीं करना, 6-7 दिन बाद पॉटिंग और रिपोटिंग करना। और बबल प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से साल में एक बार आप रिपोटिंग करना। अब देखो पहले आपका बबल प्लांट की ग्रोथ कैसा है, इसके हिसाब से ही आप रिपोर्टिंग करना। पिंचिंग, बबल प्लांट को थोड़ी बहुत पिंचिंग करना, इस पिंचिंग से बबल प्लांट बहुत बूशी बनते हैं। देखिए ऐसे आप थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से पिंचिंग कर देना, इससे बबल प्लांट बहुत सुंदर और बूशी बनते हैं। इन्फेस्टेशन, बबल प्लांट पे कोई इंसेक्ट्स वगैरह की अटैक नहीं होते, तो फिर भी आप महीने में एक बार बबल प्लांट पे नीम ऑयल का स्प्रे कर देना, इससे बबल प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। प्रोपोगेशन, बबल प्लांट रूट डिवीजन से भी प्रोपोगेट कर सकते हो, और कटिंग से भी आप लगा सकते हो। ये आराम से ग्रो कर जाता है, बहुत अच्छे से ये आप प्रोपोगेट कर सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो और ये प्लान बताना ज़रूर। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।